نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا بالدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين शरा अरबईन नबवी हदीस नंबर 16 गुस्से की मुमानियत अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इन रजुलन قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا يغضب فردد مرارا قال لا يغضب हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला से रवायत है कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, क्या करें? औसुनी, वाव स्वाद या का मतलब होता है खैर खाही से, वसीयत होती है ना, तो वाव स्वाद या अरबी में, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी सूरह बकरा में आता है, वो वसा बिहा इब्राहिम अबने ही व याकूब, कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे और अपने पोते को वसीयत की थी कि तुम क्या करना मरते दम तक, तुम क्या करना मुस्लिम रहना। तो वसीयत कहते हैं मुस्तकबिल के लिए खैर खाही से दिए हुए मशवरे को, कोई मशवरा जो फ्यूचर के लिए खैर खाही के साथ खलूस के साथ दिया जाता है इसको वसीयत कहा जाता है। तो ये सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया, दरख्वास्त की कि मुझे वसीयत करें, मुझे मेरे मुस्तकबिल के लिए, और कौन सा मुस्तकबिल है? दुनिया और दुनिया के बाद अगली जिंदगी, आखिरत की, मुझे दुनिया और आखिरत, आने वाले दुनिया का दौर और उसके बाद के दौर के लिए मुझे कोई खैर खाही से मेरे मुस्तकबिल की फला और कामयाबी का कोई नुस्खा बताएं। तो आपने क्या फरमाया? दो टोक दो लफ्जों पर मुश्तमिल छोटी सी वसीयत जो आपने पूछने वाले को, जिसने मुस्तकबिल के लिए खैर खाही का मशवरा मांगा था, ला ताग़ब, तू क्या ना कर, तू गजब, गुस्सा ना कर। गजब कहते हैं ना गुस्से को, गैज़ो गजब आना, तो गुस्सा ना कर। फरौददा, फिर उसने फिर दूसरी बार फिर उसने वही सवाल किया, यानी जिसने एक दफा पूछा था कि मेरे लिए कोई वसीयत बताएं, फिर उसने कहा कि मुझे कोई और वसीयत बताएं, तो आपने दूसरी दफा भी क्या बता दिया? ला ताग़ब, तू फिर गुस्सा ना कर। तो गुस्सा ना करना गोया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वसीयत है और नसीहत है। दुनिया में समझदारों की, सियानों की वसीयतों को तो हम बड़े ध्यान से मानते हैं, और ये किसकी है? ये इमामुल अंबिया रहमतुल्लिल आलमीन हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है उम्मत के हर फर्द के नाम के, क्या करो? तुम गुस्सा ना किया करो। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो अल्लाह ने कुरान में भी, अगर आप सूरह अल इमरान की आयत नंबर 133 और 134 देखते हैं, तो वो बड़ी प्यारी सी आयत है सूरह अल इमरान की, कि अल्लाह ने फरमाया वसारियु इला मग़फिरतिम मिन रब्बिकुम, कि तुम दौड़ो, तुम लपको, तुम जल्दी करो। सीन वा का मतलब होता है ना जल्दी करो, सारियु इला मग़फिरतिम मिन रब्बिकुम, अपने रब की बख्शिश, अपने रब की मग़फिरत की तरफ जाओ, और कहां जाओ? वह जन्नातिन अर्ज़ु हस्समावाति वल, और उस जन्नत की तरफ जाओ जिसका, जो जमीन और आसमान से ज्यादा उसकी वुसअत और उसका अर्ज़ है। और फिर अल्लाह ने यहां पे फरमाया उद्दत लिल मुत्तकीन, ये मैंने किसके लिए तैयार की है? जो मुझसे डरते हैं ना, जो खौफे खुदा रखते हैं, ये तो मैंने तैयारी उनके लिए की है। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक्वाहा, अल्लाह हमारे नफ्स को अपना तक्वा खौफे खुदा अता फरमा। और फिर अल्लाह ने आगे सूरह अल इमरान में मुत्तकीन की सिफात बताई है, वो क्या करते हैं? वो खर्च करते हैं, फिसर राय व दर राय, मुश्किल में है, तंगी में है, खुशहाली में है, बदहाली में, हर हाल में खर्च करते हैं। और अगली सिफ जो सूरह अल इमरान में मुत्तकियों की और जन्नतियों की आई है वो क्या है? वल काज़िमीन अल ग़ैज़, गुस्से को पी जाते हैं, गुस्से को पी जाते हैं, वह आफीना अनन्नास, लोगों को माफ कर देते हैं, पीने के बाद अंदर रख के उसको ब्र्यू अप करके, वोल्केनिक इरप्शन नहीं, वो पीने के बाद जिसके ऊपर आया, जिसने ज्यादती की है, जिसने हक तलफी किया, या जिसकी वजह से कोई झगड़े पे गुस्सा आया, फिर उसको माफ कर देते हैं। और फिर तीसरी सिफत है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह तो एहसान करने वालों से मोहब्बत करते हैं। तो
तो ये गुस्सा पी जाना तो जन्नतियों की सिफत है, अल्लाह सुभाना ताला ने कुरान में फरमाई है। और अल्लाह सुभाना ताला ने सूरह शूरा की आयत नंबर 37 में भी ये सिफत बताई है, वा इजा मा गज़बू, कि वो लोग जब उनको क्या होता है गज़बू, जब उनको गुस्सा आता है तो क्या करते हैं, हुम यग़फ़िरून, वो गुस्सा पी के क्या करते हैं, वो माफ कर देते हैं, गुस्सा पी के माफ कर देते, गुस्से का इजहार नहीं करते, गुस्से को निकालते नहीं, गुस्से को किसी को उसके साथ जलाते कटाते नहीं है, वो क्या करते हैं, वो माफ ही कर देते हैं, क्योंकि गुस्से पे माफ करने के साथ ही गुस्सा जो है वो पीना मुमकिन होता है। तो माँ, और वैसे भी अल्लाह ने कुरान में मोमिनों को तरीका ये सिखाया ना कि बुराइयों को किससे दूर करो, ईंट का पत्थर का जवाब ईंट से नहीं, हाँ बुराइयों को भलाइयों से दूर करने का तरीका जो है वो सिखाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत से मुख्तलिफ मौकों पर भी इसे मिलती जुलती अहादीस मौजूद हैं कि हमें तिर्मिज़ी में एक हदीस आती है कि एक शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी रहनुमाई उस रस्ते की तरफ करें जो मुझे जन्नत की तरफ ले जाए, मेरी रहनुमाई उस रस्ते की तरफ करें जो मुझे जन्नत की तरफ ले जाए। आपने फरमाया ला तग़दब, क्या कर, गुस्सा करना छोड़ दे, गुस्सा करना छोड़ दे। फिर एक और हदीस में आता है, आपने फरमाया ला तग़दब वलकल जन्ना, गुस्सा ना कर तेरे लिए जन्नत है, गुस्सा करना छोड़ दे तेरे लिए जन्नत है। फिर एक और हदीस में आता है, हजरत अहनब बिन कैस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये मुस्नद अहमद में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसी बात बता दे कि मैं अपने पल्ले से बांध लूं, मुझे कोई ऐसी बात बता दें कि मैं ना पल्ले से बांध ही लूं और मैं बस उस पर अमल ही करने लगूं। आपने उसको भी क्या फरमाया, आपने फरमाया ला तग़दब, गुस्सा करना छोड़ दे। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये भी मुस्नद अहमद में और मौता इमाम मालिक में हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे वो अमल बता दें जिसकी वजह से मैं अल्लाह के गजब से बच जाऊं, कि अल्लाह को मुझ पर गजब ना आए क़यामत के दिन जब मैं अल्लाह के हजूर हाजिर हूंगा और अल्लाह ने कहना है ना वलकद जीतुमूना फुरादा, कि आज तो अकेला अकेली मेरे पास आ गई हो, तो उस वक्त मैं अल्लाह के गजब से दुनिया में भी और आखिरत में भी मुलाकात के वक्त मालिक यौमिद्दीन के मैं गजब से बच जाऊं। तो आपने फरमाया क्या फरमाया, अल्लाह गजब, गुस्सा तू छोड़। आपको पता ना कि अल्लाह और अल्लाह के बंदे का एक रिलेशनशिप बिल्कुल रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। अल्लाह क्या कहता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, दिल में करते हो मैं दिल में करूंगा, महफिल में करते हो मैं महफिल में करूंगा, है ना, एक हाथ आते हो मैं 10 हाथ आऊंगा, अल्लाह तो उससे ज्यादा। फिर अल्लाह बंदों के लिए कहता है कि जो किसी के ऐबों पर पर्दा डालता है मैं क्या करता हूँ, मैं उसके ऐबों पर पर्दा डालता हूँ, जो मेरे किसी बंदे को माफ करता है मैं उसे माफ करता हूँ, सारे के सारे जो मेरे किसी बंदे की मदद के लिए निकलता है अल्लाह क्या फरमाता है, मैं उसकी मदद के लिए निकल आता हूँ, जो मेरे किसी बंदे के लिए आसानी करता है मैं उसके लिए आसानी करता हूं। तो बिल्कुल वही मामला है कि अल्लाह सुभाना ताला फरमाते हैं तुम मेरे बंदों पे गुस्सा करना छोड़ दो, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। तो मतलब अगर आप इन तमाम अहादीस की समरी और इन आयात की समरी देख लें तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वसीयत जो हमें पल्ले से बांध लेनी है, वो वसीयत जो हमें पल्ले से बांध लेनी है, और वो वसीयत जो जन्नत के हसूल का जरिया बनेगी, और वो अमल जो अल्लाह के गजब से बचाने का जरिया बनेगा, वो सारे अमल आज की इस हदीस के हवाले से क्या है, गुस्से को छोड़ देना और गुस्से को तोड़ देना, खत्म कर देना गुस्से को, ये वो अमल है जो हमें पल्ले से बांधना, उसकी वसीयत को याद रखना, जन्नत के हसूल के लिए इस पर अमल करना, अल्लाह के गजब से बचने के लिए इस पर जम जाना हम सब के लिए जरूरी है। वैसे गुस्सा पीना इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है कि नहीं होता, जोर लगता है, कितना जोर लगता है ना, बहुत जोर लगता है ना, अल्लाह की दो बातें दिल में लिया हो ना कि वो सही है, फिर आसान वो, क्योंकि ताकत कौन सी, क्योंकि कुरान के ताल्लुक के साथ ईमान की ताकत आती है ना, और वो ईमान की ताकत जो है वो आसाब की ताकत है, उसके लिए काम आसान होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस चीज का इतराफ किया था कि गुस्सा पीना कितना मुश्किल काम है, आपने सवाल किया था ना, आपने फरमाया था कि तुम्हें मालूम है कि पहलवान कौन है, अभी आपने खुद ही बताया, आपने फरमाया कि पहलवान वो तो नहीं होता जो कुश्ती में या लड़ाई में किसी को अपने से पछाड़ लेता है या गिरा लेता है, पहलवान तो वो है जो क्या है, जो गुस्से की हालत में, अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, जो गजब की हालत में और गुस्से की हालत में ना अपने नफ्स को काबू में रखता है,
गुस्से की हालत में अपने नफ्स को काबू में रख लेता है ना, वो पहलवान है। और वैसे मोमिनों की सिफत और मुत्तकियों की सिफत हमने पहले बताया कि वो क्या करते हैं, मुत्तकियों की सिफत है कि खर्च करते हैं और फिसाद क्या करते हैं, वो गुस्सा पीते हैं। लेकिन आपको पता है कि मुनाफिकीन की सिफात में से एक सिफत कौन सी है? बुखारी और मुस्लिम की जो मुत्तफिकुन अलैह हदीस हम बहुत दफा दोहराते हैं और बहुत याद भी रखने के लायक है कि आयतुल मुनाफिकू रुबा, मुनाफिक की चार निशानियां है। जब बात करता है तो झूठ बोलता है, जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, इजा तुमना अमानत दिया जाता है खाना खयानत करता है, इजा खासमा जब झगड़ा करता है। और झगड़े में क्या होता है? गुस्सा ही तो आता है, झगड़े में गुस्सा ही तो होता है, झगड़ा प्यार में तो नहीं होता ना। जब झगड़ा करता है फजरा फट पड़ता है। उधर मोमिन की सिफ्त, मुत्तकी की सिफ्त, जन्नती की सिफ्त हमने सूरह आल इमरान में देखी, काज़िमीन अल गैज़। और यहां हदीस मुत्तफिकुन अलैह बता रही है कि मुनाफिक की सिफ्त है। और हदीस में अल्फाज मुस्लिम की हदीस में, चाहे वो नमाज पढ़ता है, चाहे वो रोजा रखता है, चाहे वो ज़कात देता है, एक कलमा गो शख्स, आपने ये भी फरमाया था कि अगर इसमें चारों सिफात है तो वो पक्का मुनाफिक है, और अगर उनमें से वो छोड़ता जाता है तो उसके निफाक का रंग घटता जाता है, यहां तक कि अगर उसमें एक सिफ भी है तो उसमें निफाक का रंग भी है, चाहे वो नमाज रोजा जकात। आप देखें, एक कलमा गो, एक कलमा गो जो नमाज रोजा जकात हज कर रहा है लेकिन गुस्से में फट रहा है, उसके अंदर कौन सी सिफत है? उसके अंदर अभी निफाक का एक रंग है। अल्लाहुम्मा तौहिर कल्बी मिनन निफाक, अल्लाह हमें अपने दिलों को निफाक से बचाने। और फजरा का मतलब, फट पड़ने का मतलब यही होता ना, कि मैं कई दफा मिसाल देके आतिशफिशां की मिसाल देती हूँ, क्योंकि गुस्सा आग की तरह की कैफियत है ना, जल रहा होता है और जलाने की कोशिश करता है गुस्से वाला शख्स। तो जब आतिशफिशां फटता है तो क्या होता है? जब लावा बहता है, अब वो तो लावे को पता कोई नहीं होता कि वो जा कार है ना, वो बस बहता जाता है। और वैसे भी बहता का है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, लावा कभी नीचे से ऊपर की तरफ नहीं आता, ऐसे होता है। गुस्सा किस पर आता है हमेशा? और गुस्सा आता तो खैर अपने से ऊपर वालों पर भी है, लेकिन निकलता किस पर है मुझे बताएं? अपने से कमजोर पर ही गुस्सा निकलता ना, अपने से ताकतवर पर गुस्सा निकाल के मरना है बंदे ने। मतलब मैंने तुम्हें खा के मार खानी है वाला हिसाब है ना, मतलब वही बात होती है। गुस्सा हमेशा आतिशफिशां का लावा भी ढलवान की तरफ जाते हैं, और गुस्सा आता तो शायद ऊपर नीचे सब पर है, लेकिन उसके असरात लावे की तरह हमेशा। और फिर जब लावा बहता है तो उसे पता नहीं होता वो कहाँ जा रहा है, किसको जला रहा है, किसको राख कर रहा है, और उसके बाद उसका क्या हाल होना है। तो बस गुस्सा भी यही चीज है, गुस्सा उस आतिशफिशां की तरह। वो मुनाफिक जब फटता है तो उसका वो गुस्से का जब लावा निकलता है तो क्या ख्याल है? जब गुस्से का लावा इंसान को पता होता है कि वो बोल क्या रहा है, अपना कोई मोहसिन है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है। कई दफा आप लोगों ने लोगों को लड़ते हुए देखा हुआ होगा, बेटा मां से लड़ रहा होता है, उसको पता ही नहीं होता कि जिंदगी की सबसे बड़ी मोहसना के सारे एहसानात को मैं कैसे बर्बाद करके रख रहा हूं, कुछ नहीं तो सास ससुर के साथ। मतलब रियलाइज ही नहीं करता इंसान झगड़े और गुस्से की हालत में कि बोल क्या रहा है, कैसे दुखा रहा है, कैसे जला रहा है, कैसे काट रहा है, कैसे किसी की इज्जत बर्बाद कर रहा है, और दिल कैसे दुखा रहा है, और फिर पता नहीं कैसे कैसे किसको रुला रहे। तो ये वो गुस्से की कैफियत है जो ईमान की नहीं निफाक की अलामत है, ये निफाक की अलामत है। और ये मुत्तफिकुन अलैह हदीस में मुनाफिक की अलामत जो है वो बताई गई है। तो गुस्सा पीना मुश्किल जरूर है और बहुत ज्यादा ताकत लगती है, आसाब बहुत ज्यादा, जिस्मानी ताकत नहीं लगती। कौन सी ताकत है? आसाबी ताकत, असाबी ताकत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से के लिए फिर पीने का तरीका भी बता दिया कि उसको कंट्रोल करने के तरीके कौन से हैं। बहुत दफा हम बात करते हैं लेकिन, और मेरा ख्याल है आप सब लोगों को याद भी होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है दोहराने के साथ वो चीजें तो थोड़ी सी, रिफ्रेशर कोर्स नहीं होता हर चीज का, तो उससे फर्क भी पड़ जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अल्फाज हैं कि आपने फरमाया इन्नल गज़ब मिनश शैतान, ये गुस्सा होता है किसकी तरफ से है ना, गुस्सा शैतान की तरफ से होता है। एक तो सबसे पहले ये रजिस्टर करना है। आपको पता है कि दीन तो हमें ये चाहता है ना कि हम क्या बन जाए, इन्नमल मोमिनूना इख्वा, हमें भाई चारा चाहता है, अद्दीन नसीहा, आपस की खैर खाही चाहता है, हमें एक सीसा पिलाई हुई दीवार बनाना चाहते हैं। तो रहमान तो नहीं चाहता कि हम गुस्सा करें और हम आपस में लड़े झगड़े, ये कौन चाहता है? ये शैतान चाहता है कि हम लड़े। तो गुस्सा किसकी तरफ से? इन्नलाज़बी मिनश शैतान, गुस्सा सारे का सारा शैतान की तरफ से। वह इन शैताना खुलिका मिनन्नार,
और शैतान किसे बनाया गया? उसने खुद कहा था खलकता नहीं मिन नारिन, तूने मुझे आग से बनाया, वह खलकता हूँ मिन तीन, तूने इसको मिट्टी से बनाया, तो शैतान को आग से बनाया गया। तो आपने हदीस में फरमाया कि चूंकि शैतान आग से बनाए, और आग को क्या चीज बुझाती है? फायर एक्सटिंग्विशर, बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो पानी होता है, जो हम वाटर होज मारते हैं और आग बुझ जाती है, पानी आग को बुझाता है। लिहाजा तुम में से जिसको गुस्सा आए वो क्या करे? उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फलयुतिम्मा वुजूहु, उसे चाहिए कि वो अपने वुजू को पूरा कर ले, उसको चाहिए कि वो अपने वुजू को पूरा कर ले। तो अब जनाब इसी हदीस को अगर आप लेकर गुस्से को काबू करने के नुस्खे और तरीके देखें, हम बहुत दफा यह हदीस तो आते हैं और लोग इनको पैसिवली सुनते हैं और कहते हैं अच्छा ये तो हमें याद है और ये तो हमें पता है, लेकिन मैं आपको बताऊं हकीकतन ये नुस्खे इफेक्टिव हैं, ये वर्क करते हैं, इनसे फर्क पड़ता है, हकीकतन फर्क पड़ता है। आप आजमा के देख लीजिए, इनसे जरूर ही फर्क पड़ता है। आपने फरमाया कि उसको वुजू कर ले, तो गुस्से को सबसे पहले ठंडा करने के लिए पानी पीना। पानी कौन पिएगा? जिसको गुस्सा आया हुआ ना और जिसके छक्के छूटे हुए और जिसका रंग लाल, कैसे गुस्से में हालत क्या होती है आप मुझे बताएं? कान सुर्ख हो जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, ऐसे लगता है कि जैसे इंसान का टेम्परेचर भी बढ़ रहा होता है ना। तो उसको उस फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए खुद एक पानी का ग्लास पीना है, खुद पीना है, लड़ने वाले दूसरे को नहीं पिलाना। हाँ कई दफा ये होता है ना कि हम समझे कि हम दूसरे को पिलाए, दूसरे को नहीं पिलाना, वो कहेगा आप पी पी, आप मुझे पिलाती फिरती है ज्यादा ठंडे मिजाज की। तो मियाँ को तो खैर नहीं कि बिल्कुल ही नहीं पिलानी, खुद पी लेना है पानी, और अगर पानी नहीं पीना तो वुजू कर लेना है, वुजू करना। फिर एक और हदीस में आता है, आपने फरमाया फैजा गाज़ब अहदकुम फलयक्सुल, अगर तुम इसी को गुस्सा आते तो फिर क्या करो? फिर तुम गुस्ल कर लो। गुस्सल करना असल में ये जगह को भी बदल देगा, पोजीशन को भी बदल देगा, और फिर ना ना करते हुए वो सारी सरगर्मी के अंदर बात आती जाती हो जाएगी और मामला जो है वो रफा दफा हो जाएगा। और वैसे भी हाइड्रोथेरेपी और पानी जो है बुखार को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं भाई? ठंडी पट्टियां करते हैं, है ना, पानी की पट्टियां करते हैं और फिर पानी में बिठाते हैं। तो बस वो ही बात है कि इसको भी तो गुस्सा भी तो एक बुखार की तरह है ना, बुखार चढ़ा हुआ इसको, गुस्सा चढ़ा हुआ उसको, बुखार चढ़ा हुआ उसको भी पानी में बिठाते हैं, इसको भी पानी में बिठाते हैं। तो पानी का इस्तेमाल गुस्से को ठंडा कर देता है, कूल इट डाउन, ये पानी का तरीका। और वैसे भी हदीस में याद है कि शैतान की वजह से, तो शैतान कहां पे वसवसे डालता है? क्या शैतान जबरन हमारे मुंह से वो जुमले शैतान निकलवा लेता है? शैतान तो क्या कर सकता है, सिर्फ अल्लाह ने शैतान को कितना इख्तियार दिया, सिर्फ एक वसवसा डालने का इख्तियार है ना। और वो वसवसे कब तक डालता है? वो हदीस आपने सबने सुनी हुई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे दिल के दो हिस्से हैं, एक में शैतान है और एक में फरिश्ते, और जब हम जिक्र करते हैं यानी दिल में अल्लाह की याद होती है और जबान पर अल्लाह का नाम होता है तो शैतान भाग जाता है ना, और जब हम जिक्र छोड़ते हैं तो फिर शैतान आते हैं और वसवसा डालते हैं। तो गुस्से का वसवसा फिर कौन? शैतान डालता है। अगर गुस्से की हालत में जबान पर क्या होगा? जिक्र इलाही होगा, तो फिर दो बातें होगी। अगर जिक्र इलाही जबान पर शैतान की हालत, गुस्से की हालत में जबान पर जिक्र होगा, गुस्से के असरात एक तो दिल पर होते हैं और निकलते किससे हैं? सबसे पहले तो जबान से निकलते हैं ना, उसके बाद हाथापाई वगैरह शुरू होती है। वही बात ना कि सुबह सुबह इब्ने आदम के सारे आजा जबान के आगे हाथ जोड़ते हैं, तू सीधी रहेगी तो हम भी सीधे रहेंगे, तू खराब होगी तो वो, जब जिक्र होगा तो जबान पर ऑटोमेटिकली क्या चीज निकल जाएगी? खराफात और दूसरी चीजों से निकलकर जब जबान पर अल्लाह का नाम आएगा तो उससे कुछ सकीना भी मिलेगा, क्योंकि गुस्से की हालत में इंसान क्या होता है? मुश्तइल होता है, बेसकून होता है, हाइपर हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है। तो जिक्र इलाही क्या करता है? थोड़ा सा काम डाउन कर देता है, थोड़ा सा कूल डाउन कर देता है, थोड़ा सा पुरसकून कर देता है, रिलैक्स कर देता है, टोन डाउन हो जाता है, इंसान अनबाइंड हो जाता है, और फिर क्या है, खौफे खुदा भी आ जाता है, और कुछ नहीं तो तवक्कुल का एहसास, अगर जिक्र इलाही सही शक्ल में हो तो। पर तवक्कुल का भी एहसास होता है, जिस पर गुस्सा आ रहा होता है वो अल्लाह की याद आ जाती है, मैंने क्या इससे बदला लेना है, अल्लाह पे ही लेगा, अल्लाह पे छोड़ दो। तो ये वो जिक्र इलाही ना ना करते हुए गैर महसूस तरीके से इन सारे मीडिया के जरिए हमारे दिल पर असरअंदाज होता है, और एट द सेम टाइम कंकरेंटली जो हदीस बताती है शैतान के वसवसों से भी बच जाता है। अल्लाह की याद, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की तवक्कुल, अल्लाह की मदद,
अल्लाह की तरफ दुआ हाजत रवाई सब कुछ वो जिक्र दे देता है और साथ के आ जाता है, दिल को पुरसकून भी करता है और दिल को शैतान के गंदे वसवसों से भी बचा लेता है ना। जो शैतान ने मजीद इंस्टिगेट करना था, मुश्तहिल करना था, देखा तुझे एक सुना गई, तेरा किया धरा सारा पानी फेर गई, अब इसकी 10 सुना, तो वो उस सारे गंदे वसवसों से कौन बचा लेता है? ये जिक्र इलाही जो है वो बचा लेता है। और अगर आप नहीं मानते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अल्फाज मौजूद है, आपकी हदीस के अल्फाज मौजूद है, बुखारी में वो वाक्य है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो अफराद को लड़ते हुए देखा था और एक लड़ रहा था और रावी कहते हैं कि वो लड़ने वाले का हाल क्या था कि उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास एक कलमा है, अगर मैं इसको बताऊं और ये वो पढ़े तो उसका सारा गुस्सा काफूर हो जाएगा, काफूर का मतलब जाता रहेगा। और सहाबा ने पूछा वो क्या है, तो आपने क्या फरमाया था, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो ये वो कलमा और यहाँ पे वो दुआ जो कुरान में है, रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरूनी, अल्लाह ये तो मैं शैतान की उकसाहटों से भी पना मांगती हूँ और मैं तो इतनी पना मांगती हूँ कि वो मेरे करीब भी ना आए, मेरे पास हाजिर भी ना हो। तो शैतान से दूर रहने के लिए अल्लाह की पनाह मांगनी है, ये शैतान के असरात भी सारे खत्म हो जाएंगे और रहमान की बरकतें भी सारी शुरू हो जाएंगी और इंशाल्लाह वो सुकून। और मुझे बताएं कि जब बंदा जिक्र कर रहा होता है तो कौन सबसे ज्यादा करीब होता है, अल्लाह। हदीस के अल्फाज है ना कि जब मेरे बंदे के लब मेरे जिक्र में हिलते हैं तो मैं उस वक्त अपने बंदे के करीब, रहमत इलाही, कुर्ब इलाही, खौफ खुदा, तवक्कुल, सकीना, सुकून, ये सारा कुछ होगा और इंतकाम लेने का जज्बा भी खत्म हो जाएगा और इंशाल्लाह शैतान के वसवसों से दिल महफूज भी हो जाएगा। तो ये करने के दो काम, पहला सबसे क्या काम जी, पहले तो ये कि हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने वो गुस्से की अहमियत सारी देख ली है। सबसे पहले करने का काम ये है कि पानी का इस्तेमाल किसी ना किसी शक्ल में, दूसरा काम आउज़ु बिल्लाह पढ़ना और शैतान की उकसाहटों से पनाह मांगना। तीसरी हदीस के अल्फाज आते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से किसी शख्स को गुस्सा आए तो उसे चाहिए कि क्या करे, उसे चाहिए कि खामोश रहे, खामोश, खामोश रहो। खामोशी, ये बात आप हमेशा रियलाइज ही करते हैं कि ताली कितने हाथों से बजती है, ताली के साथ वो जो आवाज आती है, एक हाथ यूं हिलता रहे तो क्या होता है, मतलब जरूरी नहीं कि एक हाथ भी कई दफा गुस्से के साथ बथेरा कुछ कर लेता है, ये भी हमने असरात देखे हैं कि एक हाथ भी अकेला ही बोलता रहता है और लड़ता रहता है तो वो अगले बंदे का काम तमाम कर देता है, असरात हम देखते हैं। लेकिन बहरहाल जब दो, वो आवाज तो हमेशा कब आती है, आवाज हमेशा जनरली तभी आती है, जनरली क्या, हमेशा ही तभी आती है जब दोनों हाथ आपस में टकराते हैं। तो वो एक हाथ, वैसे भी एक हाथ कितनी को देर टकराएगा, है ना, जो शख्स गुस्से में बावले वो दीवार में टकरे मारेगा, एक शख्स उठ के तो चला गया, छोड़ के चला गया, तू बोलता ना, चलो तूने बोल रहे, तो क्या है, वो झगड़े का इम्कान कम है। तो खामोश रहना, खामोश रहना। और वैसे तो खैर कई कई लोग हैं, कई खवातीन मेरे पास आती हैं और वो कहती है कि मैं उनको कहती हूँ कि अच्छा आप चुप हो जाया करे, कहती है नहीं नहीं मेरे मियाँ को मेरे चुप होने पे और गुस्सा चढ़ता है, वो कहती है बोलती क्यों नहीं, हाँ लेकिन मतलब आप देखें कि वो फिर गुस्से की हद है ना, कि इंसान को ये समझ भी ना आए कि अगर एक बंदा चुप हो रहा है, लेकिन वैसे हालात में भी नॉर्मली ये होता है कि अगर फिर भी बंदा उसकी नर्व्स के साथ खेल रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मेरी नर्व्स के साथ खेल रहा है बंदा चुप रहे कि मुझे इरिटेट करने की को, एज ए वो जैसे बच्चों का आज मुहावरा ना व्हाटएवर कि बोलते रहो जो तुमने बोला है, तो वो और इरिटेट करता है, वो और इरिटेट करता है। बहरहाल इरिटेशन या नो इरिटेशन, गुस्सा बहरहाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या करो, तुम खामोश रह जाओ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अल्फाज बहुत प्यारे हैं कि जो शख्स गुस्से को नाफिर करने की कुव्वत भी रखता है, यानी अपने गुस्से में अपने इंतकाम लेने की, अपना बदला लेने की, या गुस्सा उसको पहुंचाने की और उसको नुकसान पहुंचाने की ताकत रखने के बावजूद पी जाता है, तो फिर इनाम, ये मेरा ख्याल है शायद गुस्सा पीने के लिए सबसे मुजर्रब नुस्खा मुझे लगता है। क्या आपने फरमाया कि जो इंतकाम लेने की ताकत के बावजूद गुस्से को पी जाता है तो अल्लाह सुभाना ताला कयामत के दिन पर उसको क्या इख्तियार देगा, अल्लाह सुभाना ताला कयामत के दिन उसको इख्तियार देगा कि जा जन्नत की नेमतों में से जो अपने लिए पसंद करना चाहता है पसंद कर ले, जो अपने लिए पसंद करना चाहता है वो पर। ये कैसे एहसास होगा, ये जिक्र इलाही से। और एक और जगह आपसे लवाइस में फरमाया कि अल्लाह फिर उसके दिल को
जो इंतकाम की ताकत के बावजूद, अपना रिवेंज लेने की ताकत के बावजूद गुस्सा के, बस मैंने सिर्फ ना जन्नत के हसूल के लिए, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज और उनकी दूरी से बचने के लिए ना बस मैंने गुस्सा पी लेना है, मैंने नहीं इसको रिएक्ट करना और मैंने नहीं गुस्से का इजहार करना, बस वो सिर्फ इसलिए पी लेता है। तो हदीस के अल्फाज आते हैं कि फिर अल्लाह सुब्हाना ताला उसके दिल को सुकून से और उसके उसको ईमान की मारफत से उसके दिल को भर देता है। आज ईमान भी दिलों से घटते जाते हैं ना, और गुस्से की बात क्या ख्याल, ईमान बढ़ा हुआ होता है या घटा हुआ होता है ना? गुस्से के बाद तो ऐसा लगता है जैसे ईमान का जनाजा ही उठ जाता है, और गुस्से के बाद कितनी देर बाद तक इंसान तिल मिला रहा होता है ना, नमाज पढ़ के अजीब सी कैफियत होती है। तो ये वो आप सलासे में फरमाया कि जब कोई गुस्सा ताकत के बावजूद गुस्सा पीते और इंतकाम नहीं लेता डिस्पाइट है कि वो बदला ले सकता है, तो फिर अल्लाह उसको ईमान की हलावत और चाशनी देता। अल्लाह हमें ईमान अता फरमा और इस ईमान के फसूल के लिए अल्लाह हमें गुस्से पीने की तौफीक अता फरमा। और ये हदीस भी बहुत ही प्यारी है, ने फरमाया जो सबसे बेहतरीन घूंट जो कोई शख्स पीता है, हाँ जो वो घूंट जो सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद है, जो किसने अल्लाह की खातिर पिया वो कौन सा घूंट है, वो गुस्से का घूंट है। तो अल्लाह की रजा के लिए पी लेना। और आपको ये भी मेरा ख्याल है सबको पता है कि जितनी देर कोई शख्स गुस्से में है, कोई उसको इरिटेट कर रहा है, कोई उसे लड़ रहे और झगड़ रहे और ये गुस्सा पीता चला जा रहा है, तो जितनी देर वो सबर करके गुस्सा पी के माफ कर रहा होता है उतनी देर अल्लाह के हुक्म से क्या होता है, उसका गुस्से का घूंट तो अल्लाह को पसंद आ रहा होता है, सकीना उसको अल्लाह दे रहा होता है। और अल्लाह क्या कर रहा होता है, अल्लाह उसके ईमान में हलावत भी दे रहा होता है। सिर्फ ये नहीं, हमें पता है कि जितनी देर वो उसको माफ कर रहा होता है एक फरिश्ता क्या कर रहा होता है, अल्लाह के हुक्म से उतनी देर उसके लिए बख्शिश और रहमत की दुआएं कर रहा होता है। गुस्सा पीने वाला अपने मुश्तहिल करने वाले और लड़ने और झगड़ने वाले के खिलाफ जितनी देर तक गुस्सा पीता रहता है, अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता उसके लिए बख्शिश और रहमत की दुआएं करते हैं। और वो वाकया भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का मेरा ख्याल आप सबने सुना हुआ, दोहराए ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ फरमाते और महफिल में वो बद्दू आया और उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बहुत ही बदजबानी भी की और बदअखलाकी की और बहुत ज्यादा वो बुरी तरह बोला और बहुत बदसलूकी से बोला। और हजरत अबू बकर सिद्दीक वही जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत है और बुराइयों को भलाइयों से दूर कर रहे हैं, काज़िमीन अल-ग़ैज़ फ़ीना नास, जो बोलना है बोल जाओ तो चुप है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए और आप देख रहे हैं और हल्का सा तबस्सुम है आपके फोटो पर जेरे लब, और फिर जहर इंसान इंसान ही होता है ना, कई दफा हद से ज्यादा ही कोई कर जाए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने जब जवाब दिया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगैर हुआ और आप वहां से उठ के चले गए। आप जब उठ के चले गए तो यारे गार हैं, अब सिद्दीके अकबर हैं, अब कहाँ आपके बगैर रह सकते हैं, पीछे भागे फौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे कि आप वहां से उठ क्यों गए, आपको कोई बात ना पसंद हुई ना गवार गुजरी। और वजह पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर मैं देख रहा था कि जितनी देर वो तुमसे लड़ रहा था और तुम गुस्सा पी के खामोश थे तो एक फरिश्ता तुम्हारे पीछे तुम्हारे लिए रहमत और बख्शिशों की दुआएं कर रहा था। हम लोगों से दुआएं करवाते फिरते हैं, गुस्से को पीना रहमतों की दुआओं का जरिया। और फिर जब उसने उसने बोलना जारी रखा और तुमने भी बोलना शुरू कर दिया तो फिर मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि वो फरिश्ता चला गया और वहां पे शैतान आ गया। तो ये वो अमल है कि गुस्सा पीते वक्त, गुस्सा पीने के लिए सबसे ज्यादा ये याद रखना कि ये गुस्सा पीने के बाद मुझे कुर्बे इलाही मिलेगा, खुब्बे इलाही का हकदार बन जाऊंगा, अल्लाह ईमान की खलावत देगा और अल्लाह सुब्हान तआला जन्नत में ऑप्शन देगा। आज आज जो लेनी है जन्नत की टॉप ऑफ द लाइन नेमतें, अल्लाह मैदान हशर में उनको पिकआउट करने की ऑप्शन देगा। और मेरा इंतकाम तो अल्लाह अज़ीज़ुल इंतकाम है, खुद ही ले लेगा। मैं अपना इंतकाम बेहतर खुद ले सकती हूँ या मेरा इंतकाम मेरा रब बेहतर ले सकता है, उसको रब के हुजूर छोड़ के अपने आप को सकीने के साथ मामला रखना। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हम देखें तो कई दफा ये लगता है ना कि ये तो सुनी सुनाई सी बातें और ये हो नहीं सकता और ये कर नहीं सकते और ऐसे भला होता फिरता है, गुस्सा कंट्रोल होता फिरता है। क्या ख्याल है, हमारे पास नमूने हैं कि नहीं है, सिर्फ हदीस का नमूना या सुन्नत के भी कोई नमूने हैं? कितने नमूने हैं गुस्सा पीने के, किस किस को माफ किया है? वो जो सर पे कूड़ा डालती थी, हाँ लगातार कॉन्टिन्यूसली रोज तमाम से इंतजार करके पूरे घर का ढेर इकट्ठा करके रखती थी और मुंतजर रहती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, मतलब
गुस्सा तो आता ही होगा ना, ये तो नहीं हो सकता कि बुरा ना लगता हो या वो चीज जो है वो अच्छी ना, उस पर कोई खफगी ना होती हो। लेकिन जब उसको देखा तो और क्या ख्याल, इंतकाम की ताकत थी, जब वो बुखार में पड़ी तड़प रही थी, आपने माफी किया था ना, गुस्सा पिया ही था, कोई कड़वी कसैली बात, कोई तंग तल्ख जुमला नहीं, गुस्सा पी भी गए थे, माफ भी किया था और एहसान भी किया था ऑन टॉप ऑफ इट, कि वो जितनी देर बीमार है या यादव भी करते हैं, पानी भी भरते हैं, उसके घर का झाड़ू भी फेरते हैं। एंड ऑफ द डे हुआ क्या था, आपको तो जो ईमान की हिलावत और रहमत इलाही मिली और जो सब कुछ मिला वो मुसलमानों की, वो मुसलमानों की। वो औरत जिसका वो बुढ़िया का सामान लेके जा रहे थे, उसने क्या कहा था, मतलब मुंह दर मुंह वो तो नहीं पहचान रही थी, लेकिन कहा तो इनडायरेक्टली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही कहा था ना कि मैं बस्ती में जादूगर आ गया। मतलब आप डिस्पाइट ऑल दैट, गुस्सा तो आता ही इंसान को, कुरान बार बार कहता है कुल इन्ना माना बशरु मिस्लुकुम, जज्बात तो उनके भी थे एहसासात और दुख और तकलीफ और गम और सारा कुछ गैज़ो गजब की कैफियत थी, लेकिन असल बात है कि सेल्फ कंट्रोल था, अपना नफ्स का जब्त और कंट्रोल था। और फिर अगर आप देखें कि फतह मक्का के मौके पर तो गुस्से की कैफियत, जिस कैफियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो जिन्होंने कैसे कैसे तड़पाया और सताया, और अपनों को साथियों को, हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा को जिन मुश्किने मक्का ने, हजरत जैनब जब हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ ला रही थी गज़वे बदर के बाद, तो हम्मल से थी, और कुछ मुशकीन ने जब रोक लिया था और ऊंटनी को बिदकाया था, तो हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गिर गई थी ऊंटनी से, उनका हमल भी गिर गया था, और उसके बाद फिर ऐसी बीमारी हुई कि फिर उसको ना वो शी कुड रिकवर आउट ऑफ इट। तो वो लोग बुनियादी तौर पर हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इनडायरेक्टली कातिल ही तो थे, वही वजह बने थे ना उन तमाम चीजों की जो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फिर तकलीफ का बाद में चला। फतह मक्का के मौके पर अपनी इतनी प्यारी बेटी के कातिल आंखों के सामने थे, आपने उनको माफ कर दिया था, आपने उनको माफ कर दिया था। तलहा बिन अबीद, तलहा उस्मान बिन तलहा, उस्मान बिन तलहा जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के दौर में जब वो चाबियां मांगी थी कि हरम की चाबियां मुझे दे दो, मैं हरम के अंदर जाना चाहता हूं, और वो सारा, तो उसने बड़ी गुस्ताखी भी की थी और उसने इनकार भी किया था और उसने बड़ी बदजुबानी भी नाउज़ुबिल्लाह की थी। और जब मक्का फतह करके आप कॉन्करर ऑफ मक्का की शक्ल में आते हैं, तो आपने उस्मान बिन तलहा को बुलाया था और चाबियां उन्हीं को दे दी थी, अभी नहीं की आज जो है वो हरम की कलीद बरदार बनेगी और चाबियां उन्हीं के पास रहेंगी। ये गुस्सा ही पिया जा रहा है ना, आपके पास इंतकाम लेने का उस वक्त ताकत और सलाहियत तो थी। और वो जो मैं बहुत दफा, मतलब वाकई ये वाकियात है जो हमारे ईमान को ताजा भी करते हैं और हमारे लिए नमूना भी बनते हैं, कि आप देखें कि जब हिंद वॉक इन कर रही है, हिंद आ रही है, और इकरमा बिन अबू जहल की बीवी अबू जहल की बहू आ रही है, तो क्या ख्याल है उस वक्त आपके पास इंतकाम लेने का की ताकत थी कि नहीं थी। हजरत हमजा जो आपके चचा हैं, उनका हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी दफा गायबाना नमाज़े जनाजा पढ़ाया और कितनी उनके लिए बख्शिश की दुआ की, और उनकी कब्र के ऊपर बैठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से कैसे आंसू जारी है, और कितनी मोहब्बत वो चचा जिनके कबूल इस्लाम के लिए आप हाथ उठा के दुआ करते थे, उस चचा को की शहादत का जरिया बनने वाली हिंद सामने आती है, तो आप गुस्से का कोई जुमला ही नहीं है, गुस्से के कोई अल्फाज ही नहीं है। आपने फरमाया मरहबा हिंद, वेलकम टू इस्लाम हिंद, मतलब ये वाकई गुस्सा पीने और माफ करने के वाकियात है ना। और हजरत याकूब अलैहि सलाम और हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के वाकियात, अगर हम अहसनुल कसस कुरान का जो सबसे ज्यादा खूबसूरत किस्सा है, उसमें से सबसे प्यारा रवैया क्या नजर आता है, माफ करने का रवैया, भाइयों को जिन्होंने पकड़ के कुएं में ही डाल दिया था। मतलब आप देखें कि हमारे हमारे प्यारे हमारे अपने शायद कई दफा बड़ा बड़ा जुल्म और ज्यादतियां कर जाते हैं, लेकिन इतने इतने बड़े जुल्म तो शायद हमारे किसी ने कभी हम पर नहीं किए होंगे कि वाकई हमें उठाकर कुएं में फेंक दिया। कुएं में फेंकने वालों को भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, और मुंह दर मुंह कहने वाले, हाँ इसका भाई चोरी करता है, इसने भी चोरी की होगी, मुंह दर मुंह चोर कहने वाले, इतनी डिफिकल्ट जिंदगी के मरणों में से गुजारने का जरिया बनने वाले भी जब भाई सामने आते हैं, तो कितने मौकों पर, पहले तीन पहले मौकों पर तो गुस्सा ऐसे पिया था कि उन भाइयों को पता ही नहीं चला था कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम। वो तो जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये कहा था कि तुम्हें पता है तुमने यूसुफ के साथ किया क्या था, तुमने कहा तुम यूसुफ हो, मतलब वो तो तब पता चला था, इससे पहले सारे ओकेजन पे क्या हो रहा था, गुस्सा ही तो पिया जा रहा है, गुस्सा ही तो पिया जा रहा है।
और गुस्सा पीने में हमेशा ये भी याद रखा करें कि जब कोई गुस्सा पीता है ना और दूसरा गुस्सा करता रहता है, तो एक तो गुस्सा पीने वाले के लिए वो जो सारी मैंने आपको चीजें बताई और फिर फरिश्तों की बख्शिशों और रहमतों की दुआएं, तो दूसरा जो होता है ना, जो गुस्सा पी रहा होता है और जो दूसरा गुस्सा कर रहा होता है, हाँ, वो गुस्सा करने वाला क्या कर रहा होता है, अपनी नेकियां मजलूम को दे रहा होता है। ऐसे होता है कि नहीं होता? क्या होता है? उम्मत का मस्कीन कौन है? पीछे भी हमने बात की थी, उम्र का मस्कीन वो है जो बड़ी सी नेकियां, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ढेर सी नेकियां लाएगा, लेकिन उसका हाल होगा उसने किसी को गाली दी होगी, किसी का दिल दुखाया होगा, किसी को मारा होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी के आंसू बहाए होंगे, कोई जुल्म ज्यादती की होगी, तो क्या होगा? आपने फरमाया था ना कि अपने हिसाब किताब को दुनिया में चुका लो, क्योंकि कयामत के दिन आपने फरमाया कि अपने हिसाब किताब को दुनिया में चुका लो, और साहबा ने फरमाया कि उस दिन हम कैसे अपने हिसाब किताब चुकाएंगे जब हम नंगे और गुच्चे होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में अपने हिसाब किताब चुका लो, क्योंकि वहां पे कोई दिरहम और दिनार नहीं होंगे, वहां हिसाब किताब का मामला नेकी और गुनाहों के साथ होगा। तो अगर उस वक्त किसी को याद आए कि अगर मैंने अपने गुस्से को एक्सप्रेस ना किया और वो करता रहा मुझ पर एक्सप्रेस, तो क्या कर रहा है? उसकी नेकियां मुझे मिलेंगी और मेरे गुनाह इसको। इतना जबरदस्त बाटर अगर किसी को याद रह जाए कि ऐसे ट्रांजेक्शन नेकियों की होनी है इंशाल्लाह मेरे गुस्से के पीने के बदले में, तो इंशाल्लाह अल्लाह जब्ते नफ्स आसान कर देता है। अल्लाह हम सबके लिए इस गुस्से को पीना आसान कर दे, अल्लाह इस जबान को जब्त में रखना हम सबके लिए आसान कर दे, ये सेल्फ कंट्रोल हम सबके लिए आसान कर दे, और अल्लाह सुबहाना ताला हमने अपने उस बह जाने वाले गुस्से में जो ज्यादतियां, जो कमियां, जो हक तल्फियां और जो जुल्म के मामला की, अल्लाह उनको माफ कर दे। अल्लाह जो लाइलमी में, जो जहालत में, जो गफलत में, अल्लाह जो बसा औकात डिटाई और जिद में भी आके करते हैं, अल्लाह तू उनको भी माफ ही कर दे। आपको पता है कि वो एक इमाम थे कि जब उनके साथ आके बहुत ही किसी ने बदसलूकी और बदजबानी की तो वो खामोश रहे, और अगले दिन उन्होंने क्या किया, अगले दिन उन्होंने एक तोहफा लिया, किताब का तोहफा लिया। जाहिलों को वैसे भी देने के लिए बेहतरीन चीज क्या होती है? किताब होती है। उन्होंने किताब का तोहफा लिया और उसी शख्स के घर में चले गए जो बहुत ज्यादा बदजबानी कर रहा था, और जब अगले दिन गए और तोहफा लेके गए तो वो बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि इमाम, मैंने तो कल आपके साथ इतनी बदसलूकी और बदअखलाकी की है और आज आप मेरे लिए तोहफा लेकर आ गए। हाँ, तो उन्होंने कहा कि देखो मेरी बात सुनो, तोहफा तो मैं तुम्हारे लिए इसलिए लेके आया हूँ, उन नेकियों के बदले लेकर आया हूँ जो कल तुमने मेरे साथ ज्यादती करके दी थी। तो जब हम किसी के साथ ज्यादती करते हैं और अगला बंदा चुप रहता है, तो उसके बदले में असल में एक्सचेंज क्या हो रही होती है? वो नेकियां जो हम कितनी मुश्किल से कतरा कतरा करके तो ये समुंदर हम जमा कर रहे हैं, अल्लाह हमें इसकी हिफाजत की तौफीक भी अता फरमाए। ये गुस्से का इजहार बिल्कुल वही अमल है जो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं ना कि तुम अपना हाल उस औरत का सना कर लेना जो क्या करती है, पहले सूत काटती है और फिर क्या करती है, फिर खुद ही उसको टुकड़े टुकड़े कर देती है। तो कितनी मेहनतों से हम कुरान क्लास अटेंड कर करके, तहज्जुद के अलार्म लगा लगा के, सर्दियों में, गर्मियों में, ज्यादा नींद, थोड़ी नींद, रोजे, इबादत, ज़कात, कैसे मुशक्कतों से इंसान छोटी छोटी नेकियां जमा करता है और फिर वो नेकियां गुस्से में आके सारी की सारी बहा देना। अल्लाह हम सबको जब्त नफ्स अता फरमा। अल्लाह अल्लाह इस गुस्से का दर्स हम सबको पढ़ने, समझने और अपनाने की तौफीक अता फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अन्तल वहाब। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ जी, पूछना चाह रही थी, आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा मुझसे। मैसेजेस जिनको नहीं आ रहे, सिर्फ हाथ अगर रेस कर दे तो मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कितनों को नहीं आ रहा। वहां तो दो तीन लोगों ने मुझे बताया, आपको भी नहीं आ रहा, एक दफा नहीं आ रहा, और अटेंडेंस भी बहुत कम हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही है, तो मैसेजेस नहीं पहुंच रहे लोगों को, पहले कुछ मैसेज क्या चक्कर है मुझे समझ नहीं आ रहा। लास्ट टाइम भी मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि मैसेजेस नहीं आ रहे। मेरा ख्याल है फिर हम फिर से देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं सिस्टम को, क्योंकि हमारे ना मैसेजेस को लोग इतने ट्यून हो गए हुए हैं कि उनका ख्याल होता है मैसेज आएगा ही तो फिर हम जाएंगे, वरना तो हम नहीं जाएंगे। हालांकि मैं बहुत दफा ये दरख्वास्त करती हूँ, आए ना आए फिर भी आ जाया करें। हाँ जी, क्योंकि जब नहीं होनी होगी ना तब नहीं के समय तमाम से कहते हैं कि आज नहीं होनी, हम जरूर ही बता देते हैं। लेकिन बहरहाल जी, हाँ जी, कुछ सवाल आते हैं तो बता दीजिए। मेदा क्या खराब होता है? और बथेरा कुछ ही खराब, सब कुछ ही खराब, दिमाग भी खराब हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है और पता नहीं क्या क्या। सबसे बड़ी बात तो ये कि घर खराब हो जाता है, घर खराब हो जाता है, बिल्कुल घर खराब हो जाता है। कितने घर आप सब नहीं देखे होंगे अपने इर्द गिर्द जलते हुए और
बर्बाद होते हुए और खत्म होते हुए, और उसके पीछे ना सिर्फ मुतहर्रिक वजह गुस्सा होती और इसके अलावा और कोई वजह नहीं होती। वो गुस्सा उस चीज में आके, हाँ जाहिर है जहां और गलत काम है वहां पे वो वजूहात तो जरूर होती है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी कई दफा इंसान जो महरूम होता है वो जिंदगी गुजारता रहता है, वो जो इश्तियाल और गुस्सा है ना वो फिर इंसान को बिल्कुल एक शख्स से दूर भी करके रख देते हैं। घर टूटते हैं तो वो 80% बचा उसकी जो है वो गुस्सा और इश्तियाल मुश्तैल हो जाना, और फिर उस इश्तियाल में आके पता नहीं क्या क्या कुछ कह देना कि वो अगले से एब्जॉर्ब ही नहीं होता। बस अल्लाह वाकई हमें इस इश्तियाल से बचाए और अल्लाह हमें अपने सामने वालों को भी मुश्तैल करने से बचाए, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये भी एक बड़ा आर्ट होता है, ये भी किसी किसी के पास ही होता है ना। दूसरे को कई कईयों के पास ऐसा फन होता है कि वो ऐसा जुमला बोलते हैं कि अगला बंदा वो एक मुर्गे बिस्मिल की तरह उसको समझ ही नहीं, मतलब सबके पास ये हुनर नहीं होता भाई। हाँ ये सब नहीं कर सकते हैं ऐसी बात। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको सोच ही नहीं आती कि मुझे जवाब क्या देना था, और बाद में याद आता है कि हो अच्छा मुझे तो ये भी कहना चाहिए था। लेकिन वो मेरा ख्याल है वो वैसे ही बड़े गसील होते हैं और अंदर इतना जहर होता है ना कि वो जहर निकल आता है। बस अल्लाह हमें अपने अंदर को साफ करने की तौफीक, अल्लाह बस अपने अंदर को हमें साफ करने की तौफीक अता फरमाए। जी कोई सवाल? हाँ जी। गुस्सा हराम है तो ये हदीस के अल्फाज तो नहीं है, लेकिन इसको मकरूह जरूर कह देंगे। हराम नहीं ना। हराम जब अल्फाज नहीं है तो फिर मेरे पास तो इख्तियार कोई नहीं है, कोई हदीस में भी नहीं है। ला के अल्फाज आ रहे हैं तो एवरी ला इज बेसिकली समथिंग विच इज डिसलाइक्ड, लेकिन एवरी ला इज नॉट। आप देखें कि हराम इसलिए भी नहीं है कि इंसान को बशरी तकाजों पे आ तो कभी कभी जानना ही है, इट इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, एक नेचुरल सा जज्बा है। तो इस हवाले से